जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें द फैमिली मैन में जो कंट्रोवर्शियल इशू दिखाए गए हैं उनके ऊपर हम वो बात करेंगे, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि हर एक जो चीज़ बनाई जाती है, जैसे कि कोई वेब सीरीज़ होगी, कोई मूवी होगी, तो उसके पीछे जो डायरेक्टर है उनकी कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है। वो कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई चीज़ कोई संदेश हमें देना चाहते हैं। हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। ऐसे यहाँ पे इस चीज़ के पीछे भी इनकी अपनी एक आइडियोलॉजी इन्होंने अपनी दिखाई है। बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इशू हैं, हम उनकी एक एक करके बात करेंगे। और लास्ट में जो इस वीडियो के एंड में कुछ एक यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए और व्यूअरशिप पाने के लिए या फिर सब्सक्राइबर गेन करने के लिए वो कुछ भी अनाप शनाप बक देते हैं, जिनको वाकई में कुछ नहीं पता होता है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये जो जितने भी व्यू पॉइंट हैं, मैं काफ़ी टाइम से जैसे फॉलो करता आ रहा हूँ, जब से मैंने अपने होश संभाले, मतलब जैसे जब से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तब से मैंने अपनी देश की पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन में तब जाके मेरा ज़्यादा उनके अंदर रुचि हुई मेरी, और तब से मैं फॉलो स्टार्ट किया। मैंने डेली अखबार पढ़ना और बहुत सी सारी चीज़ों को फॉलो करना वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, और तब से लेके अब तक के मेरे व्यू पॉइंट क्या हैं जो कंट्रोवर्शियल इशू इसके अंदर दिखाए गए, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस करूँगा। शायद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी लोगों को पसंद आए, शायद ये वीडियो काफ़ी लोगों को पसंद आए। पहले भी जिनको ना आए तो ना आए भाई, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अपने व्यू पॉइंट तो आपके सामने रखूँगा। जिनको पसंद आए वो लाइक करें, ना आए तो वो बेशक डिसलाइक करें, जैसा वो कर सकते हैं। एक एक करके बात करेंगे इसके अंदर। कुल टोटल जो मैंने अपने हिसाब से इन चीज़ों को कैटेगराइज किया है कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके अंदर राष्ट्रगान के समय खड़े ना होना, जो इस सीरीज के अंदर दिखाया गया है। सेकंड चीज़ वन नेशन वन लैंग्वेज की हम बात करेंगे। थर्ड चीज़ जो होगी गौ रक्षक के नाम पे जो इसमें दिखाया गया लिंचिंग हो रही है उसके लिए। फोर्थ आतंकवाद को ये बता रहे हैं कि वो सही है, इस सीरीज में दिखाया गया है कि आतंकवाद सही है। फिफ्थ चीज़ पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ जानती नहीं है कि आतंकवाद कुछ होता भी है, ये उन्होंने इस सीरीज में दिखाया गया। पाकिस्तान गवर्नमेंट भोली भाली है, उनको तो पता ही नहीं होता कि उनकी ज़मीन पर आतंकवाद हो भी रहा है या नहीं हो रहा, वो अपना काम कर रही है, वो भला चाहती है, ये इसमें दिखाया गया है। और जो लास्ट में जो हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कितने कैसे यूट्यूबर्स अपने फेक पब्लिसिटी या फिर व्यूअरशिप पाने के लिए बिना वजह कुछ जाने बेवजह कुछ भी बोल देते हैं, कैमरा ऑन करते हैं वो कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले की बात करते हैं राष्ट्रगान के समय खड़े होने के ऊपर। जब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया था, जब ये कानून बनाया था कि कोई भी मूवी स्टार्ट होने से पहले, किसी भी सिनेमा हॉल में मूवी स्टार्ट होने से पहले राष्ट्रगान प्ले होगा और तिरंगा लहराया, तिरंगे की एक फ़ोटो जो है वो या फिर एक वीडियो जो है वो सामने स्क्रीन पर दिखलाई जाएगी, और ये कहीं ना ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि हम अपने राष्ट्रगान का सम्मान करें और हमें खड़ा होना चाहिए। ये तो हमारे अंदर हम खुद हमारी एक एथिक्स होती है, हम अपने माँ बाप का सम्मान जैसे करते हैं ऐसे ही हम अपने राष्ट्र का सम्मान करें, अपने राष्ट्र गान का सम्मान करें, ये चीज़ें हमें खुद पता होती हैं। जब ये कानून लाया गया था तब बहुत सारे बुद्धिजीवी आए थे, बहुत सारे बुद्धिजीवी ने इसका विरोध भी किया था, काफ़ी सारा हंगामा हुआ था उस वक्त। तो उसी चीज़ को लेके इस सीरीज़ में भी एक चीज़ दिखाई गई है कि कैसे सिनेमा में जब राष्ट्रगान प्ले होता है और ताहिर नाम का एक लड़का उसमें खड़ा नहीं होता है और ये कहता है कि ये तुम्हारा राष्ट्रगान है, अब इतनी नफरत उस लड़के में दिखाई गई, मैं नहीं जानता क्या रीज़न है इतनी नफरत उसके अंदर दिखाई गई है। और फिर उसके बाद वो एक वीडियो उसके अंदर देखता है, इस सीरीज़ में उसे वीडियो दिखाई जाती है कि गोरक्षा के नाम पे दो मुसलमान का यहाँ पे लिंचिंग कर दिया, नहीं उनका मर्डर कर दिया जाता है, और बाद में पता चलता है कि वो बीफ नहीं था वो मटन था। और बाद में एक वीडियो और इसको दिखाई जाती है जिसमें एक मिनिस्टर जो है वो उग्र भाषण दे रहा होता है। ये जो सारी चीज़ें हैं इस ताहिर को उत्साहित करती हैं एक ऐसा प्लान करने में, ताकि वो इस मिनिस्टर के घर जाए और उसको बीफ खिलाए, ये सारा वो प्लान करता है। और इस प्लान के चक्कर में जो टास्क जो इसके अंदर एक सीक्रेट फोर्स है और पुलिस को इनके ऊपर शक होता है कि कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करने जा रहे हैं, तो इनका पीछा करते हैं और
इस चीज के चक्कर में इनकी जान चली जाती है, मारे जाते हैं एनकाउंटर के अंदर, क्योंकि पुलिस को शक होता है, ये फायरिंग स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई। अब इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन ये है, ये बता रहा है कि आप राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करोगे अगर आपके किसी ने उग्र भाषण दे दिया है आपको। मतलब जस्टिफाई किया जा रहा है कि आप राष्ट्रगान का सम्मान इस कंडीशन पे नहीं कर सकते। किस कंडीशन पे? कि अगर आपने कोई उग्र भाषण सुना है, अगर आपकी कम्युनिटी के लोगों का अगर किसी ने मर्डर कर दिया है, तो आप ये अगर ये कंडीशन होती है तो आप राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करें। आप नहीं करते हो वो चीज़ जस्टिफाई होती है, ये सीरीज हमें ये बताती है। कहाँ तक का ये लॉजिक है मुझे समझ नहीं आता। एक परिवार होता है हमारा, एक हमारी एक फैमिली होती है, उस फैमिली में अगर हमारे किसी हमारे रिलेटिव ने अगर हमें डांट दिया, हमें फटकार दिया, हमारे बारे में कुछ गलत बोल दिया, हम उस फैमिली उस पर्सन से हम शायद थोड़ी देर के लिए नाराज़ हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, या हम उससे बात कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने माँ बाप को ही गाली देना शुरू कर दें। एक राष्ट्रगान का सम्मान ना करना एक देश को ही अपमानित करने के ही बराबर तो है। ये चीज़ इसको जस्टिफाई कैसे कर सकती है? हैरानी की बात है कि लोग इसको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की तरीके से देखते हैं, वो ये नहीं सोचते कि कैसे एक एंटरटेनमेंट के थ्रू उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप राष्ट्र का सम्मान ना करें चलेगा अगर आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं। और एक और चीज़, मैं यहाँ पर लिंचिंग जो होती हैं उनको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, हिंसा के मैं विरुद्ध हूँ। अगर किसी भी व्यक्ति की मौत होती है हिंसा के द्वारा तो उसका मैं विरोध करता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि हिंसा के लिए हिंसा को मैं कहीं जस्टिफाई करूँ, नहीं। हिंसा से अगर किसी की मृत्यु होती है तो जिन्होंने ये किया है उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। सेकेंड चीज़ की अगर हम इसमें बात करते हैं वो है वन नेशन वन लैंग्वेज। इसके अंदर एक छोटा सा मुद्दा दिखाया गया जिसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा दिखलाया गया, और जो इसमें मनोज वाजपेयी जी की जो पत्नी है उनके पिता जो है वो तमिल के हैं, और तमिल और मनोज वाजपेयी की जो माँ है वो हिंदी से, मतलब उनको हिंदी आती है, और उनके ससुर को, मनोज वाजपेयी की ससुर को जो तमिल आती है, तो दोनों समधन और समधी बैठ के आपस में जब बातें करते हैं तो वो कहते हैं आपको हिंदी नहीं आती, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है। तो ये चीज़ भी लेके इसके ऊपर इश्यू चला। अभी कुछ टाइम पहले 14 सितंबर को हिंदी दिवस के दिन अमित शाह जी जो द्वारा होम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कहा कि वन नेशन वन लैंग्वेज वो बनाना चाहते हैं, मतलब हिंदी को राष्ट्रभाषा वो बनाना चाहते हैं। इसके ऊपर काफ़ी सारे इशू क्रिएट हुए। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि ये चीज़ होना तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारा देश एक डाइवर्स देश है, मतलब डाइवर्सिटी बहुत है हमारे देश में। आप कुछ दूर जाओगे तो आपको लैंग्वेज बदली हुई पता चलेगी। तमिल वाली जो तमिल लैंग्वेज है वो बहुत पुरानी है, बहुत एंशियंट लैंग्वेज है तमिल तेलुगु, और ये जो साउथ इंडियन जो लैंग्वेज है वो अब जो लोग हैं वहाँ के वो अपनी इस लैंग्वेज का बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, जो एक जाहिर सी बात है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम अपने देश को यूनाइट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें 8 शेड्यूल के अंदर 22 भाषाओं को मतलब मान्यता दी गई है कि वो नेशनल लैंग्वेज, मतलब 22 भाषाओं को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है वहाँ पे। मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही हम देश को यूनाइट कर सकते हैं, केवल एक भाषा से नहीं। अमित शाह जी का कहने का मतलब उनको एक लैंग्वेज चाहिए थी ताकि एक कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ईजी हो जाए, वो शायद ये चीज़ बतलाना चाह रहे थे। लेकिन मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे नहीं लगता कि शायद ये कहीं मुमकिन है, क्योंकि हर एक अपनी मदर टंग में उसको अपनी बात करना उसे पसंद है, उसे मदर टंग में ही प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने बहुत सारे आर्टिकल इसके बारे में पढ़े, वो अभी यहाँ तो मैं डिस्कस कर नहीं सकता। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही है कि वन नेशन वन लैंग्वेज यानी वन लैंग्वेज इट कैन नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज हमारी ये डाइवर्सिटी है उसे हम ख़राब नहीं कर सकते। और ये जो वन नेशन वन लैंग्वेज के लेके काफ़ी सारे जो मैंने आर्टिकल पढ़े उसमें महान बुद्धिजीवियों ने वन नेशन वन लैंग्वेज वन रिलीजन का भी एक टैग उन्होंने जोड़ दिया, जबकि ऐसा कुछ कहा नहीं गया किसी भी मिनिस्टर के द्वारा कि वन रिलीजन भी होगा। ये बुद्धिजीवी अपने ही विचारधारा लोगों के ऊपर थोप देते हैं। शायद यही कारण है कि जो ताहिर जैसे जो लोग हैं जिनके अंदर इतनी एग्रेशन हो जाती है देश को लेके, वो देश का सम्मान करना छोड़ देते हैं, राष्ट्रगान के लिए वो खड़ा होना छोड़ देते हैं, वो इसी मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो लोगों को कहीं ना कहीं भड़का देती है, लोगों को डिवाइड कर देती है ये बात बोल के, जो वास्तव में बोली ही नहीं जाती है। वन नेशन वन लैंग्वेज वन रिलीजन की बात कहीं नहीं बोली गई, ये
मैंने कहीं आर्टिकल में ही पढ़ रहा हूँ कि भाई ऐसा कुछ होता जा रहा है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हो रहा, ऐसा कहीं किसी ने कोई बात नहीं बोली है। वन नेशन वन लैंग्वेज की बात बोली गई, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों को बताया कि जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो डाइवर्सिटी है वो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। हम देश को यूनाइट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कॉन्स्टिट्यूशन है 8th शेड्यूल जो 22 भाषाओं को मान्यता देता है, उससे हम यूनाइट कर सकते हैं हमारे देश को। इसके अंदर एक और जो टॉपिक उठाया गया वो था कश्मीरियों का मुद्दा। एक आर्मी ऑफिसर के द्वारा ये कहना कि आफ्सपा के द्वारा कश्मीरियों को दबाया जा रहा है, ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। मैंने जितना पढ़ा है कि कितने सारे जवानों के ऊपर पत्थरबाजी होती है कश्मीरियों के द्वारा, कितने ऐसे पत्थरबाज जो लोग हैं वो रोजाना ऐसी हरकतें करते हैं। अभी फिलहाल तो आर्टिकल 370 और 35A के द्वारा जो वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, अभी फ़िलहाल के लिए तो वहाँ वो बंद है, लेकिन जैसे ही वो खुलता है या फिर जो पहले की बात करें हम, तो कितने सारे ऐसे पत्थरबाज ज़रूर निकल के आएंगे सामने। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये मंजूर है, बहुत सारी मेजोरिटी के अंदर देखा जाए तो उनको ये यूनियन टेरिटरी बनाना, जम्मू कश्मीर को विद लेजिस्लेटर असेंबली के द्वारा असेंबली जो उनको वो प्रोवाइड की गई है, और लद्दाख को अलग करना, यूनियन टेरिटरी का उसे दर्जा देना, ये काफ़ी सारों को पसंद आया है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे पत्थरबाज भी हैं जिनको ये चीज़ें पसंद नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारों की रोटी रोजी तो इससे चली गई है। काफ़ी सारे पॉलिटिकल जो हैं उनकी रोजी रोटी इससे चली गई, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो अपने ही इससे बेनिफिट ले रहे थे, इससे 370 आर्टिकल का दे के हवाला दे के, 35A का हवाला दे के कैसे वो वोट गेन कर रहे थे। शायद आने वाले टाइम में अब जो इलेक्शन होंगे वो उनके लिए कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट होंगे। अब वो किस चीज़ का हवाला देंगे वो तो टाइम ही बताएगा। कहा गया कि कश्मीरियों को दबाया जा रहा है इस आफ्सपा के द्वारा, लेकिन कहते हैं कि भाई कोई पॉलिटिशियन इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। देखिए पॉलिटिशियन वहाँ का लोकल पॉलिटिशियन मुझे नहीं लगता उनके ऊपर ध्यान नहीं देता। अगर आज की गवर्नमेंट की बात करें जिन्होंने 370 आर्टिकल हटा के, 35A आर्टिकल हटा के, अगर इससे पहले की भी अगर बात करें तो आप पिछले टाइम में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर बजट पास होता है तो वो जम्मू कश्मीर के लिए होता है। बाकी सभी भारत के राज्यों से अगर आप कंपेयर करके देखें तो सबसे ज़्यादा जो पैसे दिए जाते हैं वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को ही दिए जाते हैं, वहाँ के लोगों की भलाई के लिए, वहाँ डेवलपमेंट करने के लिए दिए जाते हैं। तो कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि उनको दबाया जा रहा है, बल्कि उनको तो आगे लाने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। कितने सारे फौज ने ऐसे अभियान चलाए कि भी अगर आप आतंकवाद में चले गए, अगर वापस आना चाहते हैं तो आपके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का चार्ज नहीं लगाया जाएगा, आप बेशक वापस आ सकते हैं। कोई इस चीज़ को नहीं दिखाएगा, वो इस चीज़ को दिखा देंगे कि हाँ आफ्सपा लगा रखा है। यहाँ पे एक मनोज वाजपेयी द्वारा यहाँ पे एक डायलॉग बोला गया कि देश के इस राज्य के अंदर टूरिस्ट एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है और वर्दी वाले टूरिस्ट यहाँ पे ज़्यादा हो गए, यानी वो फौज को बता रहे हैं कि लोगों का आना जाना कम हो गया लेकिन फौज यहाँ पे जगह जगह पे खड़ी है। यार जो फौज जो खड़ी है वो अपनी जान पे खेल के आतंकवादियों को घुसने से वो रोक रही है वहाँ पे राज्य के अंदर, ताकि वो शांति का माहौल बना सके। लेकिन ये मेकर्स जो इस सीरीज के मेकर हैं वो ये चीज़ नहीं दिखाएंगे। बोलना तो बहुत कुछ है, मुझे बहुत कुछ है बताना है कि भाई क्या हो रहा है वाकई में। जो पुलवामा अटैक हुआ था, 40 जो जवान शहीद हो गए थे उसके लिए एयर स्ट्राइक की गई थी बालाकोट के अंदर, 300 से ज़्यादा जो आतंकवादी मारे गए थे, अब वो फिर से रीएक्टिवेट हो गए हैं, फिर से एक्टिवेट हो गए हैं। 500 से ज़्यादा आतंकवादी देश में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। जनरल आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत जी द्वारा ये बात कही गई चेन्नई में हेडक्वार्टर में। ये सब चीज़ें नहीं देखी जाएंगी कि भी देश में जो आर्मी है वो कैसे अपनी जान पे खेल के इस देश की सुरक्षा के लिए, उसमें शांति बनाए रखने के लिए, ताकि हम सही से चैन से सो सकें, उस चीज़ को ये नहीं दिखाएंगे। ये चीज़ दिखाएंगे कि कैसे कश्मीरियों के ऊपर ये आफ्सपा का यूज़ करके, कैसे फौज का यहाँ पे यूज़ करके लोगों को दबाया जा रहा है। पत्थरबाज कहाँ गए जो रोज़ पत्थरबाजी उनके ऊपर करते हैं? कितनी सारी वीडियो अवेलेबल हैं अगर आप वो देखेंगे, जिसके अंदर पत्थरबाजी करके कैसे फौजियों को गाली दी जाती है, गो इंडिया गो के नारे लगाए जाते हैं वहाँ पे, ISIS के झंडे वहाँ पे लहराए, पाकिस्तान के झंडे तक वहाँ लहरा दिए जाते हैं। उस चीज़ को कोई नहीं दिखाएगा। वो तो बड़े मतलब कितना साफ दिखा दिया कि सारा ब्लेम गवर्नमेंट के ऊपर, सारा ब्लेम फौज के ऊपर डाल दिया उन लोगों ने। ये मेकर्स कुछ समझ नहीं आया कि ये लॉजिक कहाँ जा रहा है, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तीसरी बात, अगली बात करें आतंकवाद को सही बतलाना। इस सीरीज़ के अंदर एंडिंग में
एक अल कातिल और साजिद, ये दो आतंकवादी अपने काम, इन्होंने एक फैक्ट्री के अंदर केमिकल प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है ताकि दिल्ली के अंदर बहुत सारी जानें चली जाएं, उसको डीएक्टिवेट करने के लिए फिर से चले जाते हैं, क्योंकि अल कातिल की माँ भी दिल्ली में होती है और वो नहीं चाहता कि वो अल कातिल उसकी माँ मर जाए, ये चीज़ वो इसलिए वो वापस जाता है ताकि वो अपने प्लान को अबॉर्ट कर सके, ताकि बाद में कर सके। तो साजिद चाहता है कि नहीं वो प्लान अभी हो, तो इन दोनों के बीच में वहाँ पर लड़ाई होती है। अब लड़ाई होती है ना, तो इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक देखना कितना इमोशनली बैकग्राउंड म्यूज़िक दिखाया जाता है कि साजिद अल कातिल को मार देता है और फिर वो रोता है कि मैं उसे मारना नहीं चाहता था, ये मारा गया, कितना इमोशनली वो दिखाया गया कि आतंकवादी जो है वो इमोशनल है और वो आतंकवादी इसलिए बना, जैसे अल कातिल के बारे में बताया गया वो आतंकवादी इसलिए बना क्योंकि गुजरात जो 2002 के जो दंगे हुए थे उसके कारण, उसमें जो उसकी फैमिली जो है वो मारी गई थी, उसके कारण उसको आतंकवादी बनने की जो वहाँ से प्रेरणा मिली, वो आईएसआई में भर्ती हो गया, वो आई इस्लामिक स्टेट गया, वहाँ पर जाके उसने ट्रेनिंग ली, फिर वापस आया भारत में, फिर उसने ये बम बनाना सीखा ताकि वो यहाँ पर लोगों को मार सके, प्रेरणा उसे मिली 2002 से, एक प्रेरणा के तौर पे इसको दिखाया गया है, ये प्रेरणा दिखाई गई है कि अगर आपको आतंकवादी बनना है तो 2002 का हवाला देके आतंकवादी बनाया जा सकता है, इसको जस्टिफाई किया गया है इस सीरीज के अंदर। एक आतंकवादी बनने को तुम लोग कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, और जो लोग इसको देख रहे हैं थोड़ा सोच समझ के देखो, कुछ अपने दिमाग में इसका सोचना कि कहाँ तक ये जाया जाए कि कोई आतंकवादी बन रहा है उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हो तुम। अगर किसी ने कोई गलत काम कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो ये कहोगे कि हाँ यार उसके अंदर क्यूरियोसिटी हो रही थी मर्डर करने की, इसलिए वो उसने मर्डर कर दिया, या उस मर्डर को जस्टिफाई कर दोगे। ये जस्टिफिकेशन मुझे तो कहीं से भी राज नहीं आई, और मुझे क्या बहुत सारे लोगों को ये राज नहीं आई जिनसे मैंने बात की, जिन्होंने ये सीरीज देखी उनसे बैठ के जब मैंने बात की। और एक और चीज़ जो इसमें दिखाई गई कि पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है उसे कुछ नहीं पता, वो बड़ी मासूम सी गवर्नमेंट है कि उसकी जो धरती है, पाकिस्तान की जो लैंड है, वो आतंकवादियों के लिए यूज़ नहीं की जा रही, उन्हें तो पता ही नहीं है, वो शायद कहीं अफीम खा के सो रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता, चैन वो तो मस्त है बंदे। कुछ एक और लोग हैं वो गवर्नमेंट से खफा हैं, वो तख्ता पलट करना चाहते हैं, अपोजिशन है वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो मेन जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती, वो शांति चाहती है। कितना दोगलापंथी दिखा दिया है, एक तरफ तुम दिखा रहे हो पाकिस्तान गवर्नमेंट बड़ी शरीफ है, और एक तरफ तुम दिखा रहे हो इंडिया की गवर्नमेंट को जो सिर्फ लोगों को दबा रही है, डेमोक्रेसी को बता रही है कि डेमोक्रेसी प्राइवेसी ये सारी चीज़ें बेकार हैं, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ये चीज़ें दिखा रहे हो कि गवर्नमेंट डेमोक्रेसी प्राइवेसी को ख़त्म कर रही है, और एक तरफ आप बता रहे हो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। वाह, ये मेकर्स क्या कर रहे हैं, मतलब क्या बताएं इसके बारे में यार। पुलवामा अटैक के दौरान जो ये बालाकोट में जो ये हुआ था, क्या गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पता नहीं था कि बालाकोट के अंदर जो कैंप है वो आतंकवादी कैंप जो है वो एक्टिवेट है। पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देता है, के प्रेसिडेंट हो गए बराक ओबामा हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, उन्होंने सब ने यहाँ तक की फटकार लगाई कि अपने धरती का यूज़ या अपनी ज़मीन का यूज़ आतंकवादियों के लिए मत करो। कितनी बार वो रिस्ट्रिक्शन लगा चुके हैं इनके ऊपर, कितनी बार वो लगा चुके हैं। लादेन जो था वो वहाँ पे वो मारा गया, फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही, और ये फिर से एक बार और चीज़ हो रही है बालाकोट के अंदर, फिर से वो कैंप एक्टिवेट हो गए। क्या ये चीज़ अगर कोई न्यूज़पेपर डेली फॉलो कर रहा है उसको तक पता है, क्या गवर्नमेंट को वहाँ तक का नहीं पता, उनको भी पता है इस चीज़ का, तो फिर भी वो अनजान बन के बैठे हैं यार। क्या कितने सारे ऐसे बयान उस गवर्नमेंट की तरफ से बिना सर पैर के आते हैं यहाँ पे, कितने सारे हमें सुनने को पढ़ने को हमें मिलते हैं। ये जो सीरीज है उसने वो दिखाए क्यों नहीं, वो भूल गई थी क्या। एक तरफ का जो प्रोपोगेंडा लेके ये सीरीज चली है कि क्रिटिसाइज करना है जैसे तैसे आर्मी को, गवर्नमेंट को, देश को क्रिटिसाइज करना है, और इसने क्रिटिसाइज करने की पूरी कोशिश की है इसके अंदर। और अगर अब मैं एंड लास्ट में बात करूंगा उन यूट्यूबर्स की, एक यूट्यूबर जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मन तो कर रहा है नाम लूं मैं उसका, एक सबटाइटल लगाते हैं,
सबटाइटल एक थंबनेल लगाते हैं, थंबनेल में लिखते हैं अंधभक्त तो इसे ना देखें, गवर्नमेंट की पोल खोल दी। और गवर्नमेंट की पोल क्या खोल दी इसके अंदर, इस सीरीज के अंदर मुझे कहीं से भी कुछ नहीं लगा कि गवर्नमेंट की पोल खोल दी इसके अंदर। ये यूट्यूबर महाशय जी कहते हैं कि बेकसूर मासूम पढ़ते हुए बच्चों को गवर्नमेंट उठा के ले जाती है, उनका एनकाउंटर कर देती है। अबे बेवकूफ हो गया यार तुम, कुछ भी मुंह में आए वो बक दे रहे हो। तुम्हारी अगर एक फैन फॉलोइंग है तो उसको तो ढंग से कुछ बता दो, कुछ पढ़ लिख के बताओ ना। यहाँ पे क्यों बेवकूफों की तरह उनका मतलब उनको एक क्या आइडियोलॉजी दे रहे हो, क्या बता रहे हो वहां पे, कुछ सोच समझ के तर्क के साथ बात करो कि भी क्या बकवास करने जा रहे हो। गवर्नमेंट को हर चीज के ऊपर ब्लेम कर देना ऐसी आदत बन गई है इन यूट्यूबर्स की कि भाई अगर फेक पब्लिसिटी चाहिए, व्यूअरशिप चाहिए तो हाँ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर दो, लाइट नहीं आई तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज, पॉपुलेशन बढ़ रही गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर दो, पॉल्यूशन बढ़ रहा है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर दो। खुद हम कुछ नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ही करेगी सबका, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही ठेका उठा रखा है ना सब कुछ। और ये ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो फेक पब्लिसिटी के तौर पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने से कतराते तक नहीं है और अपनी आइडियोलॉजी देने में लगे रहते हैं लोगों को। गुस्सा आ रहा है यार, गवर्नमेंट की पोल खोल दी, मुझे तो समझ नहीं आया क्या गवर्नमेंट की पोल खोल दी यार। मैंने तो ऐसी सीरीज में देख के मुझे तो कुछ लगा नहीं। ये शायद उनको प्रभावित कर सकते हैं जो सारा दिन टिकटॉक पे या यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पढ़ने लिखने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, शायद रिसर्च करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, जो सिर्फ एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बैठे रहते हैं, जो उनके पास फेक न्यूज़ आ जाती है तो उस फेक न्यूज़ को आगे बढ़ा देते हैं, या फेसबुक पे अपना टाइम पास करते करते हैं, इंस्टाग्राम पे अपना टाइम पास करते रहते हैं, जो फेक न्यूज़ देखी उसको आगे पास कर दिया, उसके पीछे किसी भी लॉजिक के पीछे नहीं जाते। कितनी सारी मैं फेक न्यूज़ देखता हूँ, कितनी सारी फोटोज़ मैं फेक देखता हूँ कि एक सीएम की एक ऐसी फोटो वो लगा देंगे कि पीछे से बात कर रहे हैं, एक लड़की आगे बैठी है, वो पीछे से होके सीएम जो है चीफ मिनिस्टर बात कर रहे हैं किसी और महिला से, तो फोटो ये दिखा रहे हैं कि सीएम जो है वो एक महिला के बालों को सूंघ रहे हैं। ऐसी ऐसी फेक फोटो लगा के वो शेयर कर रहे हैं, पढ़े लिखे युवा गधे ऐसे काम कर रहे हैं। कमाल है यार, ये देश कहाँ जा रहा है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे जवान कहाँ जा रहे हैं जिनके ऊपर आने वाले टाइम में ये अपना भविष्य ही खराब कर रहे हैं, बैठ के सारा दिन टिकटॉक पे वीडियो बनाएं, यूट्यूब पे बैठ के सारा दिन वीडियो देखें, काम करना है तो इनके पास कुछ है नहीं, बस एक गंद अपने दिमाग में भर लो ऐसे यूट्यूबर्स को देख के। कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, निकलो उन चीज़ों से, अपनी आइडियोलॉजी खुद क्रिएट करो, पढ़ो समझो, न्यूज़पेपर को फॉलो करो, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, रिसर्च करो उनके पीछे, फिर किसी चीज़ के पीछे जाना, फिर किसी चीज़ को फॉलो करना। ये उन यूट्यूबर्स के लिए भी है जो फेक पब्लिसिटी के लिए कुछ भी अनाप शनाप बक देते हो यार, कुछ सोच समझ के बोला करो। अगर तुम्हारी फैन फॉलोइंग है तो सोच समझ के उनको बताओ यार, बहुत सारी बातों का असर पड़ता है सामने वाले पे। एक ऐसा इंसान जो पहली बार अगर कुछ देख रहा है, अगर मेरी बातें उसे इफेक्ट करती हैं, मेरी बातों से अगर वो प्रभावित होता है तो अच्छा बन सकता है, बुरा बन सकता है, वो डिपेंड करता है मैं उसे क्या बता रहा हूँ। तो कुछ सोच समझ के बोला करो ना यार। आई होप सो आप लोगों को मैं अपने विचार समझा पाऊंगा, डिस्कस कर पाऊंगा आप लोगों के साथ। अगर आपके भी अगर कुछ विचार हैं, आपके भी अपने ओपिनियन हैं तो वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। अब देखो यार, बहुत सारे उठेंगे बोलने वाले, शायद इसको डिसलाइक करने वाले भी, गाली देने वाले भी उठेंगे। करो यार, राइट टू फ्रीडम मतलब एक्सप्रेशन है, राइट टू एक्सप्रेशन, आप अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको अधिकार है। मैं नहीं होता हूँ कुछ कहने वाला, लेकिन अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करोगे तो मैं उसको रिपोर्ट भी करूँगा, उसे देख लेंगे फिर बाद में, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।